नमस्कार दोस्तों, हम आज के इस पाठ में अपने पिछले पाठ को बढ़ाएंगे जो कि पर्यावरण का हमने शुरू किया था और हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक थे, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, हम इसकी बात कर रहे थे। तो हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो प्रमुख घटक होते हैं वो हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। तो ये दो प्रमुख घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, और आज हम इन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो जैविक घटक होते हैं, जो जैविक घटक होते हैं, ये क्या होते हैं? ये लिविंग होते हैं, मतलब ये सजीव होते हैं, लिविंग घटक हैं। और इनमें जो मुख्यतः आते हैं वो कौन कौन से आते हैं वो हम देखते हैं। एक तो उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीन इसमें मुख्यतः आते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये तीन इसमें आते हैं। और यदि हम वहीं पे अजैविक घटक की अगर हम बात करते हैं, यहीं पे अगर हम अजैविक घटक की बात करें, तो इनको कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे टेम्परेचर, तापमान, हाइट, ऊंचाई, देशांतर, अक्षांश, सॉयल, मृदा की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार, जल की उपलब्धता, कई ऐसे फैक्टर हैं जो अजैविक घटक में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो हम सबसे पहले अजैविक घटक को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अजैविक घटक को शुरू करेंगे। वैसे वैसे कई चीजों में फर्क पड़ता जाता है। जैसे कि अगर हम एक बात करें लिंग अनुपात की, तो इस पर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर, वहां पे केवल लिंग अनुपात की देख रहे हैं, तो जहां पे हाई टेम्परेचर होता है वहां पे फीमेल ज्यादा होते हैं, फीमेल ज्यादा होती है, और जहां पे लो टेम्परेचर होता है वहां पे मेल ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसी तरह से जैसे जो जानवर में कई सारे होते हैं, मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल या सांप हो गए, इनमें भी क्या होता है, जो इनका सेक्स होता है, जो इनका लिंग होता है, यह टेम्परेचर के आधार पर डिसाइडेड होता है, टेम्परेचर प्रभावित होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। अगर हम जैसे जैसे अगर हम किसी हॉट प्लेस पे रह रहे हैं तो वहाँ पे फीमेल के पैदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और लो टेम्परेचर में जाते हैं तो मेल के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसी तरह से अगर हम लैंगिक आयु की बात करें, लैंगिक आयु, सेक्सुअल एज की बात हम करें आयु, तो यदि टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो जल्दी विकसित हो जाते हैं, लैंगिक लक्षण जल्दी विकसित हो जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका वगैरह में,
जल्दी विकसित। और अगर टेम्परेचर, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अफ्रीका हो गया, और अगर टेम्परेचर लो है तो धीरे विकास होता है, तो विकास जो होता है धीरे होता है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो रशिया है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम और फैक्टर्स भी देखते हैं तो शरीर का आकार, अगर हम बात करते हैं शरीर का आकार, तो जब तापमान कम होता है, जब तापमान कम होता है तो शरीर में वसा जो होता है वो ज्यादा संग्रहित होता है, ज्यादा मात्रा में संग्रहित होता है। शरीर में वसा ज्यादा मात्रा में संग्रहित होता है। और अगर टेम्परेचर अधिक है, तापमान अधिक है, तो शरीर में वसा की मात्रा कम होती है संग्रहण, ठीक है। तो इसी कारण से जो अगर हम जैसे बात करते हैं तो हमारा पोलर रीजन में जो भालू वगैरह पाए जाते हैं, पोलर भालू, उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, आकार काफ़ी बड़ा होता है अगर हम उनकी तुलना करें भूमध्य रेखा में जो भालू पाए जाते हैं उनसे, भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो भालू पाए जाते हैं उनसे आकार बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर हम तापमान कम रहेगा तो शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा संग्रहित होती है और इस कारण से शरीर का आकार भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर ईयर, टेल, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे तापमान कम होता है, तापमान कम होता है तो वहाँ पे इनका जो साइज होता है वह भी छोटा होता है, ठीक, छोटा होगा। और अगर तापमान अधिक है, अगर तापमान अधिक है तो इनके साइज जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं किसकी। और उसके बाद हम देखते हैं पौधों पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बाद हम देखते हैं पौधों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हम, जैसे अगर हमारा ये हमारा अर्थ है, ये हमारा भूमध्य रेखा का क्षेत्र हो गया 5 से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, फिर हमारा ये हो गया ऊपर पोलर रीजन, तो पोलर रीजन में हमारा अत्यंत न्यून तापमान होता है, ठीक, अत्यंत न्यून तापमान होता है। और उससे कम इस वाले रीजन में हमारा होता है न्यून तापमान, कम होता है, ठीक। और यहाँ पे ये वाला रीजन जो हमारा होता है मध्य तापमान रहता है, और जो भूमध्य क्षेत्रीय होता है जहाँ पे, वहाँ पे हमारा उच्च तापमान होता है सन की रेस के कारण, उच्च तापमान, साथ ही हमारा कुछ डेजर्ट वगैरह भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। तो इस तापमान का जो वेरिएशन होता है, इस तापमान का वेरिएशन का प्रभाव क्या पड़ता है, वनों पर पड़ता है, वनों पर भी पड़ता है। और इस कारण जो हमारे यहाँ पे वन पाए जाते हैं मोस्टली टुंड्रा प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, ये बर्फीले तापमान के अनुसार होते हैं। उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमारे यहाँ पे टाइगा वन पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पे हम जब आ जाते हैं तो हमें शंकुआकार वन मिलने लगते हैं, और फिर हमें जब हम इस रीजन में पहुँचते हैं तो हमें सदाबहार या पर्णपाती वन मिलने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो वन है, जैसे जैसे हमारी टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है वैसे वैसे वनों की यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टुंड्रा, टैगा, शंकुआकार, सदाबहार या पर्णपाती वन, ये हमें मिलते हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम हुआ वैसे वैसे वनों के टाइप भी कम होते जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तापमान का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है पौधों पर। अब हम वहीं पे थोड़ा जानवरों के ऊपर बात कर लेते हैं।
तो तापमान आधार पर जीवों का भी वर्गीकरण किया जाता है। तापमान के आधार पर जीवों का भी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे इनका जो वर्गीकरण है, कुछ होते हैं जो होते हैं शीत रक्त वाले जीव और जीव, और कुछ होते हैं उष्ण रक्त वाले जीव। कौन से होते हैं? उष्ण रक्त वाले जीव। अगर हम शीत रक्त वाले जीव की बात करें तो ये ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान जो होता है वो मौसम के अनुसार बदलता रहता है। शरीर का तापमान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जाम्पल है जैसे मछलियाँ या रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। और इनको क्या होता है, चूंकि ये शरीर का तापमान के बदलता रहता है मौसम के अनुसार, इसलिए इनको ज़्यादा न ठंड लगती है न गर्म लगती है। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार ही कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये टेम्परेचर इनका बढ़ जाता है तो बॉडी, जैसे अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ा इन्वायरमेंट का, तो ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। और उस कारण होता क्या है कि जो इनके इंजाइम होते हैं, जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि ये ऐसे इस वक्त कई बार होता है कि हम जो होते हैं कि पर्टिकुलर मौसम में ये जानवर हमको नहीं दिखता है, जैसे छिपकली हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसका कारण यही होता है कि ये कहीं पर छिप जाते हैं। और इसको कहते हैं निष्क्रिय निद्रा कहते हैं, ठीक है। और ये निष्क्रिय निद्रा दो मौसम के आधार पर, ग्रीष्म और शीत के अनुसार, ग्रीष्म निद्रा होती है और शीत निद्रा होती है, ठीक है। और अगर बात करें पृथ्वी पर, तो ज़्यादातर ये जो जीव मिलते हैं ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही मिलते हैं। ज़्यादातर ये क्षेत्र जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है हमारा, उस पर ही मिलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में ही। और चूंकि ये टेम्परेचर अपना वेरी कर लेते हैं, इसलिए इनको फीवर वगैरह की समस्या भी उतनी नहीं होती है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इनके मिलने का कारण भी कि एक ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वह भी कर्क और मकर के बीच में ही मिलती है, और वो भी क्या, किस वजह से? टेम्परेचर के कारण ही, ठीक है। तो ये हो गया शीत रक्त वाले जीव के बारे में। अब हम देखते हैं गर्म जीव वाले रक्त के विषय में। गर्म जीव, गर्म रक्त वाले जीव, गर्म रक्त वाले जीव, तो ये क्या होता है, इनमें ये अपना शरीर का वातावरण टेम्परेचर जो है वातावरण के साथ नहीं मैनेज कर पाते हैं। ये इनका वातावरण का टेम्परेचर कुछ और होगा, शरीर का टेम्परेचर अलग होगा, सेम नहीं होता है, ठीक है। और ये वातावरण के टेम्परेचर के साथ शरीर का टेम्परेचर परिवर्तित नहीं होता, और ये उष्ण रक्त वाले जीव कहे जाते हैं, उष्ण रक्त वाले जीव कहे जाते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये इनके एग्जांपल्स में, तो इसमें बर्ड्स, मैमल्स इस तरह के आते हैं। और जैसा कि वो था कि शीत रक्त वाले जीव जो थे वो मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिल रहे थे, लेकिन इनके साथ ऐसी परिस्थिति नहीं होती है। ये पृथ्वी पर कहीं भी मिल सकते हैं, और इनको ठंड व गर्म दोनों का एहसास होता है, ठंड व गर्म दोनों का एहसास होता है, क्योंकि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का अलग होता है और बॉडी टेम्परेचर अलग होता है। और अगर जनरली पूछा जाता है कि मैमल्स किसको कहते हैं, तो ये याद रखें कि जिसके कान बाहर की ओर निकले रहते हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट। इसी प्रकार से हम कुछ प्रकाश के प्रभाव को भी देख लेते हैं। प्रकाश का प्रभाव,
जो जीवों का रंग होता है, जो जीवों का रंग होता है वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। हम अक्सर सुनते आते हैं लाइट पड़ता है तो ज़्यादा धूप में रहने पे रंग काला पड़ जाता है, इस तरीके से। तो मतलब जीवों का जो रंग होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर। और चूंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश लगभग सीधे रहता है, ज़्यादातर समय रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म रहता है, और गर्म रहने के कारण डार्क कलर होता है। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होने के कारण मतलब लाइट भी वहाँ पे कम पड़ती है सूर्य की तिरछी किरणों के कारण, और सूर्य की तिरछी किरणों के कारण वहाँ पे जो कलर होता है लोगों का वो फेयर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रकाश की तीव्रता जो होती है जीव के रंग को प्रभावित करती है। इसी प्रकार अगर पौधों की बात करते हैं तो पौधों की उत्पादकता भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। पौधों की उत्पादकता प्रकाश पर निर्भर करती है। कुछ पौधे छाया प्रिय होते हैं, कुछ पौधे छाया प्रिय होते हैं, और जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गए, और कुछ पौधे होते हैं प्रकाश प्रिय, प्रकाश प्रिय हेलिफाइट्स वगैरह, सनफ्लावर, आर्किड्स, ये सब। तो कुछ पौधे प्रकाश प्रिय होते हैं और कुछ छाया प्रिय होते हैं। और कोई कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है वहाँ पे अलग प्रकार के पौधे मिलते हैं, और जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट नहीं होता है वहाँ पे अलग प्रकार के पौधे मिलते हैं। तो इसका कारण होता है वहाँ पे जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता है वहाँ पे सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, तो ये सारे कारक होते हैं। तो ये थे कुछ एक जनरल जो कारण, जो अजैविक कारण। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जैविक कारकों की। अब हम बात करते हैं जैविक कारक, अब हम जैविक कारक की बात करते हैं। तो भूमिका के आधार पर अगर हम जैविक कारकों को विभाजित करते हैं, भूमिका के आधार पर, भूमिका के आधार पर जैविक कारकों को विभाजित किया जाता है। ठीक है, और मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक। दूसरे होते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्ता, उपभोक्ता। थर्ड होते हैं हमारे अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर, अपघटन करता। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादक के विषय में। तो किसी परिस्थिति में ऐसे जीव जो ऊर्जा या भोजन के लिए, जो ऊर्जा या भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, ये उत्पादक हैं। अर्थात किसी भी परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में ऐसे जीव जो ऊर्जा या भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते, ठीक है। और सामान्यतः क्या होता है, या तो ये रसायन संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, या प्रकाश संश्लेषण, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बना लेते हैं, ठीक है। रसायन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये स्वयं भोजन बना लेते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो हो जाते हैं जैसे पौधे,
शैवाल, शैवाल, ब्लू ग्रीन एलगाई, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया या नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, डैट्स मस। और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। किसके एग्जाम्पल हैं ये जो उत्पादक हैं उनके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। और जो मॉडर्न इकोलॉजिस्ट हैं उनका कुछ का मानना होता है कि ये एक्चुअल में ट्रांसड्यूसर होते हैं, ना कि उत्पादक, क्योंकि ये ऊर्जा के एक फॉर्म को, जो कि प्रकाश ऊर्जा को, रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दैट इज, ऊर्जा के एक फॉर्म को ये दूसरे ऊर्जा में ही परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ एक परावर्तक हैं, ना कि उत्पादक। फर्क फिर भी, मतलब एक जनरल वे में हम उत्पादक ही इनको मानते हैं। दूसरा हम बात करते हैं उपभोक्ता की, उपभोक्ता की। तो ऐसे जीव जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर हो, वो क्या होंगे? उपभोक्ता। ऐसे जीव जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर हो, उपभोक्ता कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो घास, घास स्वयं अपना भोजन बना लेता है प्रकाश संश्लेषण वगैरह से, तो ये क्या हुआ? उत्पादक। घास को कौन खा लेता है? टिड्डे, टिड्डों को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये हैं तो ये सारे उपभोक्ता ही, क्योंकि एक दूसरे पर ये निर्भर हैं। तो चूंकि ये टिड्डे जो हैं ये सीधे घास पर निर्भर हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और मेढक इसी तरह से द्वितीयक उपभोक्ता, सांप तृतीयक, और मोर उच्च उपभोक्ता। अर्थात अगर हम कहें तो जो प्राइमरी हैं वो क्या सीधे उत्पादक पर निर्भर हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्राथमिक पर निर्भर, उच्च क्या है ये ऊर्जा का, इससे ऊपर स्थानांतरण फिर नहीं होता है। ऊर्जा का उच्चतम स्तर है, इनसे ऊपर ऊर्जा स्थानांतरण इससे ऊपर नहीं पॉसिबल है, इनसे ऊपर पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक क्लासिफिकेशन हो गया। हम बात करते हैं क्या प्राथमिक उपभोक्ता की, प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये क्या हुआ? ये उपभोक्ता उत्पादक पर सीधे निर्भर होते हैं, उत्पादक पर क्या है ये सीधे निर्भर है, ठीक है। और ये शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक, ये शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं।
और अगर मॉडर्न इकोलॉजी में कहें तो इन्हें सेकेंडरी उत्पादक माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो ट्रांसड्यूसर वाली कॉन्सेप्ट था, ठीक। तो इनको मॉडर्न इकोलॉजी में सेकेंडरी उत्पादक कहा जाता है, वैसे ये प्राथमिक उपभोक्ता माने जाते हैं। जैसे कि अगर एक ये सेल्युलोज को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, ये क्या करते हैं, सेल्युलोज को क्या करते हैं, प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, जिस कारण से ये मतलब एक ऊर्जा के एक प्रकार को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर रहे हैं, इस कारण इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है, द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। क्योंकि जो उत्पादक थे जैसा, वो भी तो क्या कर रहे थे, वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे थे, और यहाँ पे ये ऊर्जा के फॉर्म को ये भी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, तो इस कारण से इनको द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है मध्यम उत्पादक, मध्यम उपभोक्ता। इसमें सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली इस तरह के उपभोक्ता आ जाते हैं, जो ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाते हैं, ऊर्जा को अगले स्तर तक ले जाते हैं, ठीक है। और उच्च उपभोक्ता, जैसे मैंने बात की कि जिनके बाद ऊर्जा का स्थानांतरण रुक जाता है, उसके आगे वो ऊर्जा का स्थानांतरण संभव नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मानव की बात करते हैं तो मानव को तो हम जानते हैं कि किस में कंसीडर किया जाता है, मानव को सर्वाहारी में कंसीडर किया जाता है, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, तो इस तरीके से। और जो प्राइमरी हुए, शाकाहारी, हर्बिवोरस, और सेकेंडरी और टर्शरी जो हैं वो मांसाहारी में कंसीडर होते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड है हमारा अपघटन करता, अपघटन करता। तो ऐसे जीव जो मृत या सड़े गले पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, मृत या सड़े गले पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपघटनकर्ता कहते हैं। अगर हम अपघटनकर्ता कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बैक्टीरिया, कवक, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, जीवाणु, ठीक है। ये सामान्यतः मरी हुई चीजों को खाते कहते हैं, या इसलिए इनको सफाई करता भी कहते हैं, और स्केवेंजर का नाम भी दिया जाता है, जैसे क्रो हो गया, ईगल हो गए, चीटियाँ हो गई, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा जो डिकम्पोजर कई होते हैं, जो खाकर नहीं बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और उन्हें सॉइल में मिला देते हैं, ठीक है। तो जो डिकम्पोजर होते हैं, नॉर्मली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, जबकि जो स्केवेंजर होते हैं वो बड़े जीव होते हैं। तो इस तरह से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक ऊर्जा संबंध होता है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में क्या हुआ, ऊर्जा का संबंध हुआ। क्योंकि उत्पादक से फिर प्राइमरी उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी उपभोक्ता, इस तरीके से उच्च उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो वो कह रहा है एक्चुअल में एक तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण ही हो रहा है, और हर ऊर्जा का स्थानांतरण होते समय ये एक दूसरे को एक ऊपर भोजन के लिए एक तरह से निर्भर है। तो क्या होता है कि इस तरीके से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो खाद्य श्रृंखला में इसमें होता क्या है, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो हमने अभी देखा कि एक जीव क्या है, यदि जीव एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े रहे हों, यदि जीव एक दूसरे से क्या हो, भोजन के लिए जुड़े हुए हों,
उसे क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला। जैसा हमने अभी वही देखा था, घास को कौन खा रहा था, टिड्डे, और टिड्डे को कौन, मेंढक, सांप, फिर मोर। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है रियल लाइफ में कि घास को सिर्फ टिड्डे खाएं, टिड्डे को सिर्फ मेंढक ही खाएं? एक्चुअल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में कोई किसी को भी खा लेता है, एक एक जीव जो है दूसरे कई प्रकार के जीवों को खा लेता है। तो ये सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार है जो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में बोला जाता है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, खाद्य जाल होता है। वास्तविकता में क्या होता है, खाद्य जाल होता है। और यह खाद्य जाल क्या होता है, ये खाद्य श्रृंखलाओं का संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखलाओं का संयोजन होता है। कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो खाद्य जाल बन जाता है फूड वेब। जैसे कि घास है, जैसे घास है तो घास को तो खरगोश भी खा रहा है, ठीक है, और घास को बकरी भी खा रही है, घास को बकरी भी खा रही है, बकरी को मानव भी खा लेता है, और बकरी को बाघ भी खा लेता है, बाघ खरगोश को भी खा लेता है, घास टिड्डे भी खा रहे हैं, घास टिड्डे भी खा रहे हैं, टिड्डे को मेंढक भी खा ले रहा है, और चिड़िया पक्षी भी खा ले रहे हैं, चिड़िया भी खा लेती है, फिर चिड़िया को सांप खा लेता है, और सांप मेंढक को भी खा लेता है, फिर सांप सांप को मोर खा लेता है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एक यहाँ पे वेब बन जा रहा है जाल टाइप का। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य जाल, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि खाद्य जाल जितना सघन होगा, खाद्य जाल जितना सघन होगा, लोगों को भोजन की उपलब्धता उतनी आसानी से होती रहेगी। खाद्य जाल जितना सघन होगा, लोगों को भोजन की उपलब्धता उतनी आसानी से होती रहेगी, अर्थात वह पारिस्थितिकी उतनी ही स्टेबल होगी। ठीक है, तो वह पारिस्थितिकी उतनी ही स्टेबल होगी, स्टेबल। जितना खाद्य जाल सघन होगा, उतनी ही पारिस्थितिकी स्टेबल होगी। ठीक है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही वो स्टेबल रहेगा, इस तरीके से चलता रहता है। और अब आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम शुरू करेंगे, उसमें हम करेंगे 10% ऊर्जा का नियम से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद जैव संग्रहण, जैव आवर्धन, इस तरह के टॉपिक करेंगे, और साथ ही हम ऊर्जा पिरामिड वगैरह भी देखने के लिए प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।